بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العلي العظيم صلوات الله محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد 130 से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम मोमिनीन को और मोमिनात को, तमाम सुनने वालों को मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अबुल फज़ल अब्बास की जो विलादत गुजरी है उसकी मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम जिस मकतब के मानने वाले हैं उसके अंदर सबसे बड़ा जो किरदार हमारे दिलों में मोहब्बत को, जिसकी मोहब्बत हमारे दिलों में सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम अपने दीन में ज़्यादा रग़बत रखते हैं, वो मौलाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात है। और रसूल खुदा की हदीस भी है कि इन्नल हुसैन सफीनत निजात, कि यकीनन हुसैन जो है वो सफीना निजात है, जो इनकी किश्ती में सवार हो जाए वो जल्द हौज़े कौसर तक पहुँच जाएगा। और यही वजह है कि हम अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए जो रास्ते मौजूद हैं उन रास्तों में से सबसे तेज़ और सरीतर रास्ता जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद और उनके हदफ पे चलते हुए अपनाया जा सकता है, उसको समझने के लिए ये मजालिस, ये मीलाद, ये तमाम महाफिल मुनक़िद करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद से आगाह हो सकें। ऐसे मौके पर जो ये अय्याम आते हैं, हमारे यहाँ अमूमन रिवाज ये है कि हम महाफिल बर्पा करते हैं और महाफिल में जो है वो मनकबतें, अशआर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मद में या हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की मद में बयान होते हैं उनको बयान किया जाता है, जिससे लोगों में जोशे विला और एक जज्बा पैदा हो जाता है। यहाँ तक बात सही है कि ये जज्बा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी काम करने के लिए आपको एक जज्बे की ज़रूरत होती है। अगर जज्बा ना हो, आपके अंदर मोटिवेशन ना हो, तो आप उस काम को अंजाम नहीं देते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस जज्बे को जिस मकसद के लिए पैदा किया जाता है उस मकसद को भी आगे बयान किया जाता है या नहीं बयान किया जाता है। हम सिर्फ जज्बा उभार देते हैं, उसके बाद किस रास्ते पर चलना है, क्या वे ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या हदफ होना चाहिए, उसके बारे में बहुत कम बयान किया जाता है। और खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या मौला अली अलैहिस्सलाम कि जिनका बहुत ज़्यादा जिक्र महाफिल के अंदर होता है, हम इनके अकवाल से और इनके कलाम से बहुत कम आशना होते हैं। लिहाजा आज मैं आपके सामने एक किताब की मार्फी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी उस किताब को भेज दूंगा। कोशिश करें कि इस किताब को ज़रूर पढ़ें। ये किताब, इसका नाम है सवाब भेजने वाला हूँ, ये किताब है खुतबात फरमूदात व मक्तूबात हुसैन इब्न अली मदीना ता करबला। मोहम्मद सादिक नजमी साहब ने इसको जो है वो लिखा है, उर्दू में ये किताब मौजूद है। ठीक है, ये किताब मैं आज ग्रुप में आप लोगों को भेज दूंगा। इसमें मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम जुमलात जो तारीख के अंदर नकल हुए जब आप मदीना से चले हैं, ठीक है, और करबला पहुंचे हैं, फिर करबला पहुंचने के बाद जो मुख्तलिफ लोगों से आपकी गुफ्तगू हुई है, रास्ते में जो आपने खत लिखे हैं, रास्ते में जो अपने घर वालों से गुफ्तगू, जो रिकॉर्डेड गुफ्तगू हमें तारीख में मिलती है, कुछ आइमा अलैहिस्सलाम की तरफ से आई, कुछ रुवात की तरफ से आई, वो तमाम हवालों के साथ और उसके एड्रेसेस के साथ इसके अंदर लिखी गई है। जहाँ पे अल्फाज में इख्तलाफ है वो भी लिखा गया है और फिर उसकी मुख्तसर सी तशरीह भी की गई है कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह जुमला जो कहा, हमसे फरजदा से जब मुलाकात हुई तो क्या मौला जानते नहीं थे फरजदा कौन है, लेकिन फरजदा से जब मुलाकात हुई, मौला मक्के से निकल रहे थे, फरजदा अपनी वालदा के साथ हज पे आ रहे थे, तो मौला को देखा, मौला के काफिले को देखा, तो फरजदा तेजी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास गए। गए फरजदा की उम्र इमाम हुसैन से बहुत ज्यादा थी, गए और कहा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, जब रसूल आप किधर जा रहे हैं, तो कहा कि मैं इराक की तरफ जा रहा हूँ, तुम कहाँ से आ रहे हो। अब ये सवाल इमाम हुसैन का कि ये जाहिर करता है कि इमाम हुसैन ने या तो जाहिर नहीं किया उसके ऊपर कि मैं तुम्हें जानता हूँ, कि हालात ऐसे थे कि इमाम हुसैन के ऊपर उस वक्त हमला करने के लिए मक्के की तरफ बहुत सारे लोग यजीद की तरफ से रवादावा थे, जो इमाम हुसैन को कत्ल करना चाहते थे, इनके लिबासों के अंदर, इनके अहरामों के अंदर तलवारें छुपी हुई थी, जिसकी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह चाहा कि मक्का की हुरमत पामाल ना हो, लिहाजा मैं इस घर को छोड़ के निकल रहा हूँ, लिहाजा आपने अपने हज को उम्रे तमत्तो से बदला और आप जो है निकल कर मक्के से बाहर आ गए। तो यहाँ पर अलतक ने एक जुमला इमाम से पूछा कि आप कौन है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपने कहा कि मैं इराक की तरफ जा रहा हूँ। तो फरजदा से पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, उसने कहा मैं इराक से आ रहा हूँ।
तो कुछ मुझे इराक के हालात बताओ। तो फरजत ने कहा कि आपने सबसे जिसे कहते हैं कि इल्म वाले या सबसे जिसे कहते हैं वहां की मालूमात रखने वाले शख्स से यह सवाल किया है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उसने मुख्तसर बातें की और एक जुमला जो फरजत का तारीख में नकल हुआ वो जुमला इस किताब में भी उनकी तशरीह भी की गई है कि उसने कहा कि वहां के लोगों में सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, आपकी आमद की इत्तला मिल चुकी है, कुछ आपकी मुखालफत में वहां पे लोगों ने जत्थे बनाना शुरू कर दिए। और उसने एक जुमला कहा, वो जुमला ये कहा कि लोगों के दिल आपके साथ हैं लेकिन लोगों की तलवारें आपके खिलाफ हैं। ये जुमला फरजदा का बाद में तशरीह बड़ी खूबसूरत इन्होंने मोहम्मद सालिक नजमी साहब ने इसकी तशरीह की है। तो कोशिश करिएगा इंशाल्लाह मैं आज इसको ग्रुप के अंदर कोशिश करूँगा कि इसको भेज दूंगा ताकि आप लोग इस किताब को देखें ताकि हमें खुद भी आशनाई हो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कलमात हैं। अभी तक हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दूसरों की जबान से सुनते हैं। जब भी किसी शख्स को पहचानना होता है तो उसके पहचान का तरीका ये होता है कि आप उसके कलाम को सुने। मिसाल के तौर पर मेरे सामने किसी शख्स की बहुत ज्यादा तारीफें या बहुत ज्यादा बुराइयां की जाएं, जैसे मैं किसी और मुल्क में हूँ वो किसी और जगह पे है, मेरा रब्ता उस शख्स से नहीं है लेकिन उसकी मुझे बहुत ज्यादा तारीफें या उसके बारे में बहुत ज्यादा बातें मुझे मालूम हो, और जब मेरी उससे मुलाकात हो और गुफ्तगू मैं करूँ तो मैं उस शख्स को बिल्कुल उसके मुखालिफ पाऊँ या वो जो बातें उसके बारे में की गई थी वो उससे मैच ना कर रही हो, तो मेरे दिल में वो तो एक खलिश होगी कि ये जो बातें मैंने सुनी थी वो सही थी या ये शख्सियत वो नहीं है। बचपन से मैं जिसके बारे में बातें सुनता चला आया था, बिल्कुल वही वाकया इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया था कि जब एक शाम से एक शख्स इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास आया था और उसने आते ही आपको देखने के बाद मदीना के अंदर जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर दिया था, नऊज़ुबिल्लाह, आपको आपके वालिद को ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी थी जो आपकी शायान शान नहीं थी। इमाम हसन खामोशी से सुनते रहे। ये शख्स कौन था? ये शख्स शाम से आया था, वो उन नए मुसलमानों में से था जिन्होंने कभी मक्का मदीना की तरफ जिसे कहते हैं सफर ही नहीं किया था, पहली दफा ये आया था। तो इसको जो फीड किया गया था इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में, उसी बुनियाद पर उसने सारी बातें इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने कर दी। जब ये खाली हो गया तो फिर वो सवाल आके आपके सामने कि इमाम हसन ने उसके साथ क्या किया, फिर वो कितना शर्मिंदा हुआ। तो बार बार ऐसा होता है कि हमें किसी के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है वो उसकी सही अक्कासी नहीं करी होती, वो उसकी सही अम्माजी नहीं करी होती कि वो शख्स आया उस तरह का भी था या नहीं था। हमें कुरान मजीद के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई, कुरान मजीद ऐसा है ऐसा ऐसा, लेकिन आपने जब पढ़ना शुरू किया तो कुरान मजीद के अंदर जो बातें आपने सुनी, उन बातें जो आपने पढ़ी वो उन सुनी हुई बातों से बहुत मुख्तलिफ थी जो आपके अकीदे का हिस्सा बन चुकी हैं। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में भी है। तो लिहाजा ये किताब आपको आज के दिन एक जिसे कहते हैं एक तोहफे के तौर पे मैं इंशाल्लाह ये आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इसको जरूर देखिएगा। सलावत अली मोहम्मद वाले मोहम्मद सूरह आल इमरान के सिलसिले में हमारी गुफ्तगू आयत नंबर 129 तक पहुंच गई थी और वो जंगे उहद का वाकया जिसमें मुसलमानों को बजाय शिकस्त हुई थी उसकी गुफ्तगू चलती हुई आ रही थी। और आपको सिर्फ वो बातें अपने जहन में रखनी है कि जिसमें बयान किया था कि जब जंग के लिए निकल रहे थे, मैं खुलासा कर रहा हूँ क्योंकि बाद लोग पिछली दफा नहीं थे, जंग के लिए जब निकल रहे थे तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मशवरा किया था कि जंग शहर के अंदर रह के लड़ी जाए या शहर के बाहर जाके लड़ी जाए। तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया था कि शहर में रह के लड़ी जाए और अक्सर लोगों ने जो जंगे बदर में किसी तरह से शिरकत नहीं कर पाए थे या जंगे बदर में बच गए थे या जंगे बदर तक उनकी यानी उस वक्त इस काबिल नहीं थे कि वो जंग में जा सकें, तो वो लोग शौक शहादत के जज्बे से भरपूर थे, उनको शौक था कि हम शहादत पाएं। लिहाजा उन्होंने कहा कि इसमें क्या बात है, अगर लड़ना है तो हम शहर से बाहर जाके लड़ेंगे। और इस बुनियाद पर रसूल खुदा आ गए। 300 लोग जो हजार के लश्कर में 300 लोग थे, अब्दुल्ला बिन सलूल या अब्दुल्ला जो मुनाफिकीन का सरदार था, वो 300 लोगों को ये कह के अलहदा करके ले आया एक उहद के मुकाम पे पहुंचने से पहले पहले, क्योंकि आपने हमारी बात नहीं मानी, हमने कहा था शहर के अंदर रहकर जंग करें, अब देखें लश्कर कितना बड़ा है, 5,000 का लश्कर है, हम कैसे जंग करेंगे। वो 300 लोगों को ले आया और फिर उसके देखा देखी हुआ ये कि 2-3 ग्रुप जो है बनू सालेम और बनू हारसा वाले वो भी इधर डगमगाने लगे। वो मैंने पिछली दफा जुमे में भी उसका जिक्र किया था और पिछली दफा जिक्र कर चुका, वो जिक्र चलता आया। तो वहां पर अल्लाह ताला ने उनसे एक वादा किया था कि तुम अगर अल्लाह ताला से खौफ रखो, अल्लाह ताला की राह में निकले हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी जो है मदद करेंगे 5,000 फरिश्तों के जरिए, यानी 3,000 रसूल खुदा ने उनसे कहा था कि 3,000 फरिश्तों में, क्योंकि बदर ने मदद की थी। तो अब रसूल खुदा ने कहा था कि हम 3,000 फरिश्तों के जरिए अल्लाह की मदद के उम्मीदवार है, तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, मैं 5,000 फरिश्तों के जरिए मदद करूंगा। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखते हुए अब जंगे उहद में जो हालात पेश है उनको कुरान की नजर से देखिएगा क्या हुआ। होते होते बात यहां तक पहुंची थी के लोग जो है वो जीत गए जंग, भागने लगे और खालिद बिन वलीद ने हमला किया,
क्यों हमला किया? क्योंकि वो दल्ला जिस पर रसूल खुदा ने लोगों को भेजा था, छोड़ा था कि 50 लोगों को कि तुम यहाँ से हटना नहीं, उन्होंने जब देखा कि रसूल खुदा जंग जीत चुके हैं और लोग माले गनीमत जमा कर रहे हैं, तो वो उतर गए वहां से और माले गनीमत जमा करने के लिए उनके साथ जुट गए। खालिद बिन वलीद ने हमला किया, वो तमाम लोग 15-20 बचे थे, खालिद बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर की सरबराही में वो सब के सब मारे गए और एक जंग जीती हुई शिकस्त में तब्दील हो गई। इसके बाद सिनेरियो एकदम से बदल रहा है, यहां तक आयात के अंदर आया था और यहां के बाद अब एकदम से आयात तब्दील हो रही है। तब्दील कैसे हो रही है? आयत यहां से शुरू हो रही है, आयत नंबर 130, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अज़ाफन मुज़ाफतन वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून। बात एकदम से रिबा की आ गई, जंगे ओहद की बात होते होते ठीक है, बात एकदम से रिबा की आ गई। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि अब अल्लाह ताला कॉजेस बता रहा है कि क्या वजूहात थी कि जिसकी बिना पर यह वाकयात पेश आए और अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या किया। एक हमारा अकीदा है कि अल्लाह कि हम क्या चाहते हैं, एक अल्लाह ताला बता रहा है कि मैंने क्या किया उनके साथ ठीक है। तो अब जरा ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा, हो सकता है बाद लोगों को ये बात जरा थोड़ी सी दिमाग पे जो है ना वो हथौड़े बरसाए, लेकिन अल्लाह ताला की बात मैं इसको बयान करूंगा। यहाँ से कुरान अपने सामने खोल ले, तर्जुमा अगर मैं गलत करूँ तो मुझे आप बोलिएगा ये गलत तर्जुमा किया आपने ठीक है, इसलिए मैंने इतनी बड़ी तबीयत बांधी है यहाँ पे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लेके आए हो, ला ताकुलु रिबा, रिबा कहते हैं जो चीज बढ़ती है, वो पैसा जो सूद पर उस जमाने में दिया जाता था उसके बदले जो पैसा दिया जाता था उसे सूद या हमारे जबान में सूद या उनकी जबान में रिबा कहा जाता था, जिसे आप इंग्लिश में यूजुअली कहते हैं अमूमन। और इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अज़ाफ़ मुज़ाफ़ा, यानी दुगने पे चौगना सूद लेना, यानी इनके जहनों में एक बिजनेस था जिसकी जिसमें ये चाहते थे कि एक चीज जो आप किसी को देते थे उसके बदले में कई गुना चीज लें। और ये लफ्ज इज़ाफ़न मुज़ाफ़ा आया है, ये सूद मुरक्कब को कहते थे उस जमाने में। सूद मुरक्कब क्या होता था कि अगर किसी को मैंने 100 रुपए दिए और कहा कि एक महीने में वापस कर दूंगा, ऊपर से 50 रुपए और दूंगा मिसाल के तौर पे, मैं एक महीने बाद वापस नहीं कर सका तो मैं मजीद एक महीने की मोहलत दूंगा, अब जो मैं सूद दूंगा तो वो 150 रुपए में सूद दूंगा और वो 50 रुपए की जगह 70 रुपए हो जाएगा। तो एक नौबत ऐसी आ जाती थी कि बार दफा सूद की रकम असल रकम से ज्यादा हो जाती थी। तो इसके बारे में कहा गया कि ए लोगों की माल लाओ रिबा ना खाओ, यानी अपने माल को दुगना चुगने सूद के जरिए जो है उसको सूद के जरिए उसको इजाफा ना करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, लाल लगू तुफ्लिहून ताकि तुम फला पा सको। जब बच्चा कोई शैतानी करके कोई गलत काम करके आता है तो समझदार माँ बाप ये होते हैं कि एकदम से उस बात पे उसको नहीं डांटते ठीक है। मिसाल के तौर पर बच्चे ने एक गिलास तोड़ दिया, आप एकदम से नहीं कहेंगे ये गिलास क्यों तोड़ दिया, आप इधर उधर की बात करते हैं, फिर बीच में से हल्की सी गिलास की बात लेके आती, क्योंकि मुतवज्जा होता है कि इस वक्त अब्बा डांटने वाले तो कोई ना कोई बात करेंगे, तो पहले आप इधर उधर की बातें करते हैं ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ पीछे से जुड़ा होता है ताकि उसकी तसल्ली भी हो जाए, बात सुनने के काबिल हो जाए, फिर एकदम से उसको बीच में एक बात कहते हैं। सारी बातें अल्लाह ताला ने इस तरह की है, एक दफा तसल्ली, एक दफा डांट, एक दफा रीजन कि किस वजह से ये हुआ और एक दफा तुमने क्या किया उसके मुकाबले में, इसी वजह से तुम्हारे कदम उखड़े, एक एक करके नसीहत आमेज तरीके से अल्लाह ताला यहां बयान करता जा रहा है। इसके बाद फरमाते हैं वत्तकु नार अल्लज़ी उइद्दत लिल काफिरीन, और डरो उस आग से जो मुहैया की गई है। इद्दत और इद्दत अद्दरा कहते हैं जमा करने को, जिसे पहले से आमादा किया हो, और इद्दत लिल काफिरीन जो आमादा की गई है काफिरीन के लिए। एक चीज आप देखें यहाँ पे अल्लाह ताला ने कयामत में दो सिनेरियो हमारे पास है कि दो जगह हैं जिन पे हमें पहुंचना है, एक या तो दोजख है या एक जन्नत है। बाज लोग कहते हैं कि जन्नत और दोजख उस वक्त जो है वो वजूद में आएंगी, बाज कहते हैं जन्नत और दोजख अभी वजूद में आएंगी, लेकिन कुरान मजीद यहाँ पे जो फरमा रहा है वो क्या फरमा रहा है, अल्लाह ताला और इद्दत यानी जो जमा की जा चुकी है काफिरीन के लिए, यानी अल्लाह ताला ने आज कयामत में अजाब जमा ही काफिरीन के लिए किया है, उन्हें उसको बनाया ही काफिरीन के लिए, यानी मुसलमानों के लिए बनाया नहीं है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए जन्नत को और इद्दत लिलमुत्तकीन मुत्तकीन के लिए जन्नत को बनाया है। लेकिन अगर तुम ऐसे काम करोगे जो काफिरों वाले हैं तो किसी भी निस्बत की वजह से, किसी भी दीन में होने की वजह से तुम्हें तुम्हारे दीन वाले लोगों में सबके साथ नहीं डाला जाएगा, बल्कि तुम्हारे कामों की बुनियाद पे जो कुफर वालों का अकीदा है अगर तुमने उसके मुताबिक काम किए तो काफिरीन वाली आग में तुम्हें डाल दिया जाएगा, अगर तुम्हें मुसलमानों वाले काम किए तो तुम्हें जन्नत में डाल दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की आग से डरो जो काफिरीन के लिए जमा की गई है। वअतीउल्लाह वरसूला लअल्लकुम तुरहमून, और अब यहां से बात शुरू हो गई, और अल्लाह की रसूल की इताअत करो, ये जो तुम्हें अल्लाह ताला के रसूल ने हुक्म दिया था तुम्हें पहले ही बता चुके थे कि अल्लाह की इताअत, उसके रसूल की इताअत और अम्र की इताअत तुम्हारे पर वाजिब है, तो तुमने यहां पे तीनों इताअतें छोड़ी हैं, अल्लाह की इताअत भी, रसूल की इताअत भी। रसूल ने तुम्हें कहा यहां से मुअय्यन करके गए थे कि तुम यहां पे खड़े रहो,
तो तुम यहां से हट गए और उलुल अम्र यानी जिसको साहिबे अमर बनाते हैं तुम्हारा अब्दुल्लाह बिन जुबैर को तुम्हारा लीडर बना के गए थे, तुमने उसकी बात भी नहीं मानी। वो तुमसे कहता रहा कि तुम यहां से नहीं जाओ, तो तुमने उसकी बात भी नहीं मानी और तुम यहां से छोड़ के चले गए। तुमने देखो क्या नुकसान उठाया है। कहते हैं कि अदात करो अल्लाह की और उसके रसूल की, शायद कि तुम पर रहम किया जाए। यानी अब भी आइंदा भी वक्त है, तुम्हें जो झटका लग गया, तुम्हें चोट लग गई है, आइंदा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से कदम हटाना नहीं। अभी जो तुम हार गए हो, और फिर कहा वसारे, अब बताया कि मुसलमानों को किस चीज में आपस में एक दूसरे के साथ सबकत दिखानी चाहिए, एक दूसरे के साथ जल्दी करनी चाहिए। सारे इला मग़फिरतिन मिन रब्बिकुम, और लब को तेजी दिखाओ, सुरत से निकला लब, सुरत यानी तेजी दिखाओ, किस चीज में तेजी दिखाओ, इला मग़फिरतिन अपने परवरदिगार की मग़फिरत की तरफ, यानी वो जो अल्लाह ताला की तरफ से बख्शने का वादा किया गया है उसकी तरफ तेजी दिखाओ, यानी वो तमाम काम अंजाम दो कि जिससे अल्लाह ताला की मग़फिरत शामिल हाल होती है। वजन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़, और जन्नत की तरफ पलटो कि जिसकी वुसअत आसमानों और जमीन के बराबर है, और इद्दत लिल मुत्तकीन, जिसको बनाया गया है मुत्तकीन के लिए। दोनों बातें बता दी गई है, जन्नत किसके लिए बनाई गई है और आग किसके लिए बनाई गई है। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि ये जन्नत है कहाँ। यहाँ पे कई आप तस्वीर पढ़े तो इतनी सारी बातें यहाँ पे तस्वीर लिखी, मैं उनको खुलासा कर रहा हूँ कि वो जन्नत है कहाँ, आया वो जन्नत इस दुनिया में है, आया वो जन्नत किसी और जगह पे है जहाँ पे हमें रसाई नहीं है, जहाँ पे आदम अलैहि सलाम से। तो यहाँ पर कुरान मजीद ही को मैं कुरान मजीद से इस्तेफादा कर रहा हूँ, और यानी कोई नजर नहीं दे रहा, ये मैं जो समझाऊँ इससे ये बात समझ आती है कि कुरान मजीद में जगह कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है कि कयामत के दिन यौमत तुबद्दिलुल अर्ज़ा, यानी हम कयामत में तब्दील कर देंगे इस जमीन को किसी और शक्ल के अंदर। यानी अल्लाह ताला ने जन्नत को मुख्तलिफ, जन्नत की जैसे कहते हैं ना कि क्या कहलाते हैं पार्ट, जो पार्ट्स हैं वो इन कहकशाओं में इधर उधर बिखेर दिए हैं, ठीक है, और इस जमीन के ऊपर इंसान को बसा दिया है। और जब कयामत आएगी तो ये सारी की सारी जमीनें तब्दील हो जाएंगी। यौम तुबद्दिलुल अर्ज़, वो दिन ऐसा होगा कि जिस दिन जमीनों को तब्दील कर दिया जाएगा, तो उस दिन जन्नत जो है वो आपस में सारे वो पार्ट्स मिल जाएंगे और जन्नत तश्कील पा जाएगी, यानी वो जन्नत के सारे पार्ट आपस में मिल जाएंगे, हमारे सामने आ जाएंगे। यानी वो पुराने मजीद की दूसरी आयतों से मुझे ही अंदाजा हो, और भी उलमा, यानी मुझे इससे बराबर और भी उलमा यही बात कहते हैं, मुझे अपना कोई इतना इल्म नहीं है, लेकिन दूसरे उलमा की बात को मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, जो मुझे ये बात पसंद आई और समझ आती है कि ये शायद इसी तरह से हो। फिर कहा कि इसको मुत्तकीन के जमा किया गया है, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين, और मुत्तकी वो लोग हैं, अब ये मुत्तकी लोगों की जिनको जन्नत में जाना है उनकी सिफात बयान की जा रही है। ينفقون, दो चीजें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत बड़ी बयान की है, एक सलावत है मोहम्मद वाला मुल्ला उलमा के नजदीक दो हुक्म कुरान मजीद में सबसे बड़े हुक्म है, दो हुक्म, एक नमाज का हुक्म और एक इंफाक का हुक्म। नमाज का हुक्म क्यों, इसलिए कि नमाज का हुक्म वो हुक्म है कि जिसमें अल्लाह ताला का राबता, बंदों का राबता अल्लाह के साथ होता है, एक शख्स का राबता अल्लाह के साथ होता है, यानी ये वो राबता है कि जो अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा राबता है। और दूसरा सबसे बड़ा हुक्म इंफाक का हुक्म है, जिसमें इंसान का राबता दूसरे इंसानों के साथ होता है, यानी दोनों जगह से वो मजबूत होता है, अल्लाह से भी मजबूत होता है और लोगों से भी मजबूत होता है। तो ये दो रास्ते, दो हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तफसील से बयान किए, जहां पे भी आपको गुनाहों से मगफिरत की बात आएगी वहां क्या जाएगा, इंफाक करो। जहां पे भी आपसे कहा जाएगा कि अगर तुम्हें नेकी करनी है तो सबसे पहले इंफाक करो, जहां कहा जाएगा कि तुम अगर चाहते हो तुम्हारी बुराइयां नेकियों में बदल जाए तो वहां आपको इंफाक का जिक्र आएगा। आप लफ्ज इंफाक लिखकर कुरान मजीद में सर्च करें ना तो उसके एक गिर्द की आयात देखें तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी कि इंफाक की वजह से कितने फवायद और उसकी वजह से कितने नुकसान हमसे दूर होते हैं। वो सारी की सारी बातें कुरान मजीद में जगह अपनी जगह पे आएंगी इंशाल्लाह, उसको उसी वक्त बयान करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीन युन्फिकूना फिस्सर्राए वद्दर्रा, कि वो लोग मुत्तकी हैं जो खर्च करते हैं, फिस्सर्रा, सर्रा कहते हैं आसानी को, ठीक है, युस्र इसी लफ्ज से निकला, युस्र, इन्ना माल उसरे युस्रा, ठीक है, हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो कहते हैं आसानी में भी खर्च करते हैं, वद्दर्रा और मुश्किल वक्त में भी जो है वो खर्च करते हैं, इन्फाक करते हैं। वल यहां तक बात मैं बयान करता हूँ, इसको मैं मिसाल के जरिए समझाऊंगा कि देखिए सर्रा और जर्रा ये जिक्र क्यों आया कि ये मुश्किल में भी खर्च करते हैं, यानी इनके पास जब पैसा होता है तब भी खर्च करते हैं, जब पैसा नहीं होता तब भी खर्च करते हैं, यानी इनकी आदत होती है खर्च करना, इन्फाक करना इनकी आदत होती है। बाद लोग कहेंगे भाई जब किसी बार पैसा ही नहीं है तो वो कैसे खर्च करेगा। मैं इसकी मिसाल हमारे उस्ताद बड़ी अच्छी दिया करते थे, वो कहते थे कि जिन लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है तो वो चाहे कुछ भी हो जाए, पैसा जेब में हो या ना हो, अगर पैसा ना भी हो तो दूसरे की जेब से एक सिगरेट निकाल के पी लेते हैं, उनको पीनी होती है सिगरेट, यानी वो हर हाल में
वो मिसाल सही से लगी होगी हमारे दोस्तों को कि ये बात समझ आ गई होगी कि चाहे मुश्किल हो चाहे आसानी हो, सिगरेट पीनी पीनी है तो पीनी है उनको सिगरेट। तो जो मुत्तकीन होते हैं उनकी आदत होती है, चाहे उनके पैसा हो या ना हो, उनकी आदत ही इन्फाक होती है, यानी हमेशा इन्फाक करने की कोशिश करते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सबसे सख्त वक्त जब मुसलमानों पे आया था, जिसमें सबसे पहले डोनेशन जमा किया गया, वो जंगे तबूक का वक्त था कि तमाम मुसलमानों को कहा गया कि जंगे तबूक, क्योंकि बहुत दूर जाना था, बड़ी फौज से लड़ाई थी, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जिसके पास जो है वो लेके आ जाए। तो असहाब जो अमीर असहाब थे, अंसार जो थे, जो महाजरीन थे, जिनके पास जो पैसा था वो लेके आ गए, कोई अपने घर का पूरा सामान ले आया, कोई अपने घर के जैसे कहते अपनी खेती खेती की जैसे कहते हैं कि आमदनी थी वो ले आया। इन तमाम सामानों को रसूल खुदा ने एक जगह रखवा दिया। तो एक शख्स सुबह के वक्त फजर की नमाज के बाद रसूल खुदा के पास आया और उसने जिसे कहते ना कि एक किलो या आधा किलो कहते हैं कुछ मुश्त खजूरें थी वो ला के रसूल खुदा को साइड में चुपके से ला के दी कि रसूल खुदा मैंने सारी रात जो है वो मजदूरी की है और मुझे यही खजूरें मिली हैं, तो मैं ये पूरी की पूरी अल्लाह के राह में दे रहा हूँ। तो रसूल खुदा ने तमाम असहाब के सामने वो जितना माल फैलाओ तो सारी खजूरों को सारे माल में फैला दिया। कहते इस तमाम माल से ज्यादा इस खजूर का जो है वो अल्लाह ताला के नजदीक रुतबा और सवाब है, क्योंकि इन्फाक जो है वो पैसे से नहीं देखा जाता, इन्फाक जो है वो नियत से देखा जाता है कि किस नियत से और कितने जज्बे के साथ उसको दिया गया है। और फिर एक बात बताई, अभी मुत्तकीन की निशानियां बयान की जा रही है कि वो चाहे वो उनके पास सख्ती हो चाहे उनके पास आसानी हो, वो हर हाल में खर्च करते हैं। दूसरी सिफत वल काज़िमीन अल-ग़ैज़, दूसरी सिफत उनकी बयान की जाती है कज़्म कहते हैं, जो पहले जमाने में मशकीजा होता था ना, मशकीजे के ऊपर एक रस्सी बांधी जाती थी, इसकी वजह से उसका मुंह बंद हो जाता था, यानी मुंह को बंद कर देना जिसकी वजह से उसमें से कुछ चीज लीक ना हो। मशकीजे के ऊपर इतना सख्त कस के बांधते थे कि ज़ाहिर सा एयर टाइट वो तो होते नहीं थे, तो उसको इतना कसते थे कि मशक उल्टी करने पर भी पानी उससे रिसे ना, क्योंकि उनके पास पानी एक ऐसे खजाने की मानद होता था जो उनको बहुत कम नसीब होता था, तो उसको बहुत एहतियात से रखते थे। तो उसको कज़्म कहते, उसी लफ्ज़ से निकला है काज़िमीन, उससे निकला यानी ग़ैज़ कहते हैं गुस्से को। एक होता है गजब, एक होता है गैज। गजब और गैज में क्या होता है, गैज इतना ज्यादा होता है कि जिसकी वजह से इंसान किसी के ऊपर अमली रिएक्शन दिखाने की जिसे कहते हैं कि कोशिश करता है, और सॉरी गैज और गजब ये होता है कि इंसान गजबनाक हो जाता है किसी चीज पे, लेकिन वो कुछ बार दफा करता है बार दफा कुछ नहीं करता, यानी गजब दिल के अंदर होता है लेकिन गैज जाहिर होने के लिए बेचैन होता है और जाहिर हो भी जाता है। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा यानी कम्बिनेशन इस्तेमाल किया है काज़िमीन अल-ग़ैज़, ये अपने गैस को यानी वो हलका जिसकी वजह से कोई आगे रिएक्शन दिखाया जा सकता था, उसके काबू में भी था, उसके ऊपर क्या करते थे कज़्म कर देते, यानी उसको ऐसे बांध देते कि एक उनका गुस्सा जाहिर ना हो। ठीक है, यहाँ पे कई रिवायात आई है और उसके बाद अल्लाह ताला बल आफीना अन-नास, और ये लोगों को माफ करने वाले होते हैं। बाद लोग होते हैं जिन्हें बहुत कीना रखते हैं, यानी कीना रखते हैं, यानी कहते रहते ठीक है माफ कर देते, जब देखते हैं उनके दिल में वही कीना उठ के आ जाता है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं मुत्तकियों की निशानियों में से बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहली निशानी यह है कि वो ये दो निशानियां बताई इंफाक वाली कि आसानी और मुश्किल में खर्च करते हैं, दूसरी बात ये कि न सिर्फ ये गुस्सा कंट्रोल करते हैं बल्कि इसके साथ ये लोगों पर अपना जैसे कहते हैं अफ व दरगुजर से भी काम लेते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद के बारे में या इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में या अलैहिस्सलाम के बारे में, क्योंकि तीनों इमामों के बारे में ये वाकया नकल किया गया है। अब ये किसके बारे में, किसी एक इमाम के बारे में, तो मैंने दोनों के बारे में सुना है, इमाम हसन के बारे में सुना है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में भी सुना है। वो क्या कि आप बैठे हुए वजू के इंतजार में बैठे थे और सर्दी का जमाना था, आपकी कनीज आपके लिए पानी जो है वो लेके आ रही थी, वो पानी गर्म था तो पानी उसके हाथ से गिरा, तो इमाम हुसैन इमाम ने उसकी तरफ देखा, वो डर गई कि कहीं ऐसा ना हो कि इमाम अभी नमाज के लिए जाने वाले और अगर इनका लिबास गीला हो गया तो इमाम मुझे जो है वो डांटेंगे, इमाम को गुस्सा आएगा। इमाम ने देखा, लेकिन ज़ाहिर है ये इमाम के घर के तरबियत याफ्ता थे, इसने फौरन ये आयत पढ़ी वल काज़िमीन अल-ग़ैज़, तो मौला ने कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये भी कोई होशियार कनीज थी, इसने कहा वल आफीना अन-नास, तो मौला ने कहा कि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, मैंने जो है वो तुम्हें माफ कर दिया, वाफीना लिनास, और मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, और बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है मोहसिनीन को। मोहसिन कहते हैं हसना से निकला है, यानी वो नहीं कि जो नेकियां जो अंजाम दे रहा हो वो मोहसिन नहीं होता। हमारे यहाँ मोहसिन किसे कहते हैं, जिसने हमारे पर एहसान किया हो, जबकि अरबी जबान में मोहसिन उसे कहते हैं कि जो हमेशा एहसान ही करता हो, जो हमेशा एहसान, यानी जिसकी सिफत ये हो
कि उससे एहसान ही सादिर होता हो। एहसान के माने क्या होते हैं, मैंने आपको पहले एक दफा दर्स में बताया भी था, एहसान अरबी जबान में पूरी कोशिश और जस्तुजु के साथ किसी काम को दूसरे के लिए अंजाम देना वक्त पर। और उसकी मिसाल मैंने, मुझे याद पड़ी, मैंने बयान की थी कि मिसाल के तौर पर आप जा रहे हैं जगह से और रास्ते में आपने किसी को हाथ दिया कि आप जिधर जा रहे हैं मुझे उधर जाना है, मुझे छोड़ दे, आपने उसको बिठा दिया और आपने उसको वहां छोड़ दिया, ये आपने इस पे एहसान नहीं किया, ये आपने उसकी मदद कर दी। एहसान ये होता है कि आप, बर्फबारी थी जिसे कहते हैं -20 टेम्परेचर चल रहा था, रात के 3 बजे आपके दोस्त का फोन आया कि भाई कोई टैक्सी नहीं मिल रही, मुझे एयरपोर्ट से पिक करो, मेरे घर छोड़ो। आप रहते हैं एजबन के अंदर, वो रहता है अलेक्जेंड्रिया में। आप बिस्तर से, गर्म बिस्तर से उठे, डेरा एयरपोर्ट गए, सर्दी में जाके उसको बिठाया और फिर उसके घर छोड़ के वापस आए। ये होता है एहसान कि दूसरे की जरूरत के मुताबिक बगैर किसी, जिसे कहते हैं कि दिल में मैल लाए हो, बगैर किसी दिल में यानी कोई बुरा ख्याल लाए हुए उस काम को अंजाम देना, ये असल में एहसान का मफहूम है। तो अल्लाह ताला कहता है कि मोहसिनीन वो होते हैं कि जो हमेशा एहसान ही करते, जिनसे, जिनकी सिफत होती है कि उनसे हमेशा एहसान ही होता है, यानी वो हर वक्त लोगों की इस तरह से मदद करते हैं कि जिस तरह से लोगों को उस मदद की जरूरत होती है। फिर फरमाते हैं वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन और ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़ ज़ुनूबा इल्लल्लाह। कहते हैं कि वो लोग, अच्छा अब एक सवाल पे जो मोहम्मद वाले पहुंचते हैं, ये सारी बात किससे हो रही है, ये सारी बात जंग उहद से आने के बाद उन मुसलमानों से हो रही है कि जो जंग में दर्रा छोड़ के उतरे थे, जिसकी वजह से जंग में बहुत सारे मुसलमान मर गए थे, ये सारे भी मर गए थे, तकरीबन इनमें से भी शहीद हो गए थे, और उसकी वजह से रसूल खुदा को जख्म आए थे, उसकी वजह से जंग हार गए थे, और उनसे भी बात हो रही है जो जंग छोड़ के भाग गए थे पहाड़ियों के ऊपर, ये सबसे बात हो रही है। सब अल्लाह ताला ने कहीं भी उनको इस्लाम से निकाला नहीं है, अभी तक मुत्तकीन की सिफात उनके सामने बयान की जा रही है कि देखो मैंने तो इंसान को बनाया ही ऐसा है कि उससे खताएं और उससे गलतियां होती रहती हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कायमत दुनिया में भेजा था तो कहा था एह बेतु कि तुम सारे के सारे, तुम आदम और शैतान सारे के सारे जमीन पर उतर जाओ। तो शैतान ने कसम खाई थी कि मैं कसम खाता हूँ ए परवरदिगार तेरी इज्जत और जलालत की कि मैं औलाद आदम को, जिसे कहते हैं, बहकाता रहूंगा और उनको गुनाह पर उकसाता रहूंगा। आते करने का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि मैं उनका गला दबा दूंगी, इतना उनके सामने हालात को ऐसा कर लूंगा जैसे उनको घुटन महसूस हो रही है, यानी उनको घोट के मार दूंगा, गला घोट के मार दूंगा, यानी एक किनाया है इस बात का, यानी उनकी तरफ हालात चारों तरफ से ऐसे कर दूंगा कि वो गुनाह करे ही करे, यानी ऐसे हालात पैदा कर दूंगा। तो अल्लाह ताला ने उसके मुकाबले में, ये रिवायत के अल्फाज है कि अल्लाह ताला ने उसके मुकाबले में, उसके उसके जवाब में कहा था कि मैं अपनी इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूँ कि जब तक मेरा बंदा गुनाह करके मेरी तरफ रुजू करता रहेगा मैं उसको उतना ही माफ करता चला जाऊंगा, यानी मैं गफूर हूं, गफूर कहते हैं यानी गफ्फार हूं, यानी बार बार माफ करने वाला, यानी पता था कि गुनाह करने से इंसान कुफर में नहीं जाता, गुनाह करना इंसान की नेचर और नफ्सियात के अंदर है, लेकिन गुनाह के बाद तौबा करना ये असल कमाल है कि अल्लाह ताला की तरफ पलट के दोबारा पता जाए। तौबा कहते हैं पलटने को, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि पलट के मेरी तरफ आओ, तो अल्लाह यहाँ पे फरमाया है वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू, और वो लोग जो जो कल गुजरे खुल्लम खुल्ला गुना, यानी उनसे कोई ऐसा फाहिशा काम, ऐसा खुल्लम खुल्ला गुना हो जाए जो जिंसी लिहाज से, जो माली लिहाज से, यानी किसी बद रफ्तारी के लिहाज से कोई ऐसा काम हो जाए उनसे जो माशरे के अंदर और दीन के नजदीक बुरा हो जाता हो, गुनाह कबीरा में से हो, उनसे ये काम सरदर्द हो जाए, ये अभी मुसलमानों से बात हो रही है, अगर उनसे ये काम सरदर्द भी हो जाए और ज़लम अनफुसहुम, या वो अपने नफ्स पे ज़ुल्म करें, यानी कोई ऐसा काम कर ले जिसकी वजह से अल्लाह ताला से वो दूर हो जाए, ले ज़रूर पे ही उन सॉरी ज़करुल्लाह, लेकिन फिर देखिए कोई फासला नहीं, ना वाह ना फा कुछ भी नहीं है, ज़करुल्लाह, और फौरन ही वो क्या करें, वो अल्लाह ताला को याद करें, यानी गुनाह करने के बाद उनको फौरन एहसास हो जाए और अल्लाह ताला को याद करें, फस्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, फस्तग़फ़िरू फा इस्तेमाल हुआ, फा यानी फौरन, ठीक है, वाह जब कहा जाता है ना, फा और वाह ये अज़ के लिए आते हैं, जब वाह आता है तो वक्फा हो सकता है, ठीक है ना, काम में वक्फा हो सकता है, वो साल का, 2 साल का, 4 साल का, 1 साल का, 1 मिनट का वक्फा हो सकता है, लेकिन जब कहते हैं फस्तग़फ़िरू यानी जल्द ये काम हो जाएगा, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अगर इन्होंने कोई ऐसा काम अंजाम दे दिया जो शरई तौर पे, जो इखलाकी तौर पे, जिसे कहते हैं फवाहिश में आता है, ऐसा गुनाह अंजाम दे दिया, ये मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया, तो उसके बाद इनको मुतवज्जा होने के बाद अल्लाह ताला की तरफ पलटने का अगर ख्याल आ गया और ये अल्लाह ताला की तरफ पलट गए, अल्लाह ताला का इन्होंने जिक्र कर लिया, अल्लाह ताला को इन्होंने याद कर लिया, तो अल्लाह ताला का काम क्या है, बस फस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला उनको बख्श देगा, उनकी तौबा को कबूल करेगा।
استغفار کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھے, لفظ غفرہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو دوبارہ سے ریپیئر کرنے کے معنی میں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی گھر میں دیوار میں درار پڑ جائے, اس دیوار کی درار کو آپ پر کر دیں اور اس کو پر کرنے کے بعد جو ہے اس کو ایسا کر دیں کہ دوبارہ سے ویسی ہو جائے, ٹھیک ہے, اس کی ریپیئرنگ کرنے کے بعد. اس کو عربی زبان میں غفرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ مثال کے طور پہ کسی شخص کے ہاتھ پہ زخم لگ جائے اور زخم کے بعد وہ اس کو دوبارہ سے اسٹچنگ کر کے یا پٹی لگا کے دوبارہ سے اس زخم کو بھر لے, تو اس چیز کے لیے لفظ غفرہ استعمال ہوتا ہے, یعنی جبران کرنا دوسرے الفاظ میں. تو اسے اللہ تعالیٰ کے سمجھتا ہے کہ میں وہ جو غلطی جس کی وجہ سے اس کی شخصیت میں کوئی دراڑ آئی تھی, اس کی گناہوں کی وجہ سے اس کے اندر ایک دوری آ گئی تھی اللہ تعالیٰ سے, میں اس کو دوبارہ سے جبران کر دوں گا. ولم یصروا علی ما فعلوا, لیکن اس کی شرط ہے, ایسا نہ ہو کہ اس کی عادت ہو, اس نے کہا بھائی گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کر لوں, گناہ کرتا ہوں توبہ کر لوں, نہیں. اس کے کہا ولم یصروا, لیکن وہ اس پہ اصرار نہ کرے, یعنی غلطی سے یا نفسانی خواہش. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ فواہش کہتے ہیں ایسے گناہ جو جن سے مخالف کے طرف جو ہے منسوب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کے اندر میں نے ایک ایسی رکھی ہے, ایک جستجو, ایک خواہش رکھی ہے کہ اس سے گناہ کی طرف مرتکب ہونے کے لیے اس کا نفس اکساتا ہے, لیکن ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو جیسے اسے سیلاب کرنے کے لیے میں نے شرعی طریقے بھی رکھے, حلال طریقے بھی رکھے, اس طریقے سے اس کو سیلاب کرے. لیکن اگر کسی گناہ ہو جاتا ہے تو کیا کرے, وہ کہتا ہے کہ ولم یصروا علی ما فعلوا, جو کام اس نے انجام دیے اس پہ شرمندہ بھی ہو اور دوبارہ وہ اس بات کا اپنے آپ کو یقین دلائے کہ مجھے دوبارہ اس کام کو انجام نہیں دینا, یعنی وہ کام کرنے کے بعد ایسی توبہ کرے کہ جس میں یہ ارادہ ساتھ شامل ہو کہ مجھے یہ کام دوبارہ انجام نہیں دینا. مثال کے طور پہ اپنے ہاتھ کو کاٹے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر آگے سیے پھر اپنے ہاتھ کو کاٹ لے, تو ڈاکٹر تین دفعہ ڈانٹے لگے گا, چار دفعہ ڈانٹے لگے گا, بعد میں بولے گا بھائی تم تو میرے ٹانکے لگانے کے باوجود باہر جانے کو تیار نہیں ہو, کتنی قسمت تک میں تمہارے جو ہے وہ زخموں کو بھروں گا, تو ایک ہفتے آنے کے بعد ڈاکٹر بھی چھوڑ دے گا. یعنی اصرار نہ ہو اس کے اوپر, سواد سے اصرار ہے, سین سے جو اصرار ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں راز کے, اور الف سواد کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, اصرار کرنا, یعنی کسی چیز کے پیچھے جسے کہتے ہیں جستجو کرنا, اصرار. اس کو انگلش میں کیا لفظ استعمال ہوگا, ہاں, انسسٹ کرنا, ٹھیک ہے, اس پہ انسسٹ نہ کریں. علی ما فعلوا وہم یعلمون, وہم یعلمون, اور وہ اس کے بارے میں علم رکھتا ہے. اس کو میں ترجمہ دوبارہ سے کرتا ہوں, ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون, سوائے, اور کون ہے جو معاف کرے گناہوں کو سوائے اللہ کے, اور نہیں اصرار کرتے وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر, یعنی وہ عمل نہیں کرتے جان بوجھ کر, یعنی غلطی سے ان سے عمل ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اگر وہ جو ہے وہ معافی مانگ لیں. ٹائم میرے پاس کم رہ گیا, مجھے اس کتاب کا بھی انٹروڈکشن آپ کو دوبارہ کرانا ہے ایک دفعہ, جلدی سے میں اس کو ختم کروں. ایک صلوات ہے محمد والے محمد کا. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, یہ وہی لوگ ہیں یعنی جو معافی مانگ لیتے ہیں, وہ کون لوگ ہیں, ان کی جزا, ان کا صلہ, مغفرۃ, اور ان کی بخشش, من ربہم, ان کے پروردگار کے اوپر ہے. وجنات تجری, اور ان کے لیے کیا ہے, جنات ہیں, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العالمین, اور کیا ہی خوب ہے اجر نیک عمل کرنے والوں کا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی تک کفر کے درجے میں داخل نہیں کیا, یہ تمام گناہ کرنے کے باوجود انہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. یہ بات کس سے ہو رہی ہے, یہ ذہن رکھیے گا, جنگ احد والوں سے ہو رہی ہے جو جنگ سے بھاگ گئے تھے, جو جنگ میں اللہ کے رسول کی نافرمانی کر چکے تھے, ان سے بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ آئندہ میں بھی وقت بگڑا نہیں ہے, یعنی اس مقدمے میں میں تمہیں جو ہے وہ ڈھیل دے رہا ہوں, یعنی یہ مقدمہ تم نے کام کر دیا, یہ میں یہاں پہ میں تمہیں بخش رہا ہوں. آگے وہ بخشش کی آیت بھی آ جائے گی, وہ جو شاعر حضرات جو ہوتے ہیں نا, جو نعرے لگوانے کے لیے جو ہے وہ فلاں پہ لگاتے بھجوا رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہے ہم راضی نہیں ہیں, اللہ راضی ہے ہم راضی نہیں ہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے ہم معاف نہیں کرنے والے, تو یہ اللہ سے بھی بڑھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ امام حسین سے زیادہ امام حسین کی شیعہ, یا وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ پوپ سے زیادہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے, تو وہ بات جو ہے وہ یہاں پہ آگے قرآن مجید کے اندر آنے والی ہے. جنگ احد والوں کو جو معافی دی گئی ہے وہ یہاں پہ آئے گی. ابھی یہ آیت عموماً لوگ جو ہے نا وہ ہضم نہیں کر پاتے, اس لیے میں ترجمہ اگر چاہیں تو آپ کو خود بھی دیکھ لیں, میں یہیں سے ترجمہ پڑھوں گا جو یہاں لکھا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین, بے شک گزر چکے ہیں تم سے پہلے کئی دور, سو چلو تم, چلو پھرو تم زمین پر, پھر دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. عاد اور سمود یہ عرب تھے سارے کے سارے, یہ سارے کے سارے جسے کہتے ہیں کہ ان کی معلوم جو ان کی تاریخ تھی, جس کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ
क्या हुआ इनसे पहले आज और समूद के साथ, यानी ये तारीखें इनको मालूम थी, ये इलाके भी इनकी अरब के नजदीक थे, तो ये काफिलों में उस जगह से गुजरते थे, तो इनको याद कराया जा रहा है, ठीक है ना, कि तुम याद करो कि आज उस जमीन में चलो। सीरू, सीरू हमारे यहाँ सैर के मामले में आया था, यानी सैर करना, घूमना फिरना, तफरी। सीरू यानी मार्फत के साथ, तफक्कुर तदब्बुर के साथ किसी जगह जाना कि वहां के हालात से इबरत हासिल किया जाए, वहां से हालात से कोई सबक दिया जा सके। इस लफ्ज को सीरू फिरस से ताबीर किया गया, और इसमें हमारे लोग कहते हैं कि डिजनेट सीरू फिरस के तहत जा रहे हैं हम लोग वहां के लिए। सीरू फिरस होता है किसी जगह की मार्फत और वहां से किसी इल्म को हासिल करने के लिए। बहरहाल हो सकता है वो भी एक मिजाज हो, वहां से कोई इल्म मिल रहा हो, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि हाजा बयान लिन्नास व हुदा व मौइज़ा लिल्मुत्तकीन, ये बयान है उन लोगों के लिए और हिदायत है और नसीहत है मुत्तकीन के लिए। यानी ये कुरान जो है, जो आयात हम बयान कर रहे हैं, ये क्या है? बयान है। बयान कैसे कहते हैं, मैं कई दफा बयान कर चुका हूँ इसको, बयान कहते हैं ऐसा कलाम जो सुनने वाले को फौरन समझ आ जाए। अल्लाह ताला ने ये लफ्ज कुरान मजीद के लिए इस्तेमाल किया है कि ये लोगों के लिए मैंने इतना आसान कर दिया कि जो इसको समझना चाहे, जो इसको जिसे कहते हैं सीखना चाहे, उसके लिए मैंने बहुत आसान कर दिया। लेकिन कोशिश यही है कि उसको सीखा जाए, अगर दूर से बैठे बैठे उसको कहा जाए कि मुश्किल है मुश्किल, तो कभी उसको सीखा नहीं जा सकता। कहा आजा बयान लिन्नास, बयान है, दूसरी चीज क्या है? हिदायत है। वह हुदन, हिदायत है। वह मौइज़ा, मौइज़ा कहते हैं ऐसी नसीहत को जो सुनते ही दिल पे असर कर जाए। एक होती नसीहत, माँ बाप नसीहत करते हैं तो सारी उम्र असर नहीं होता, लेकिन एक जो है वो किसी सूफी साहब या किसी आलिम साहब या किसी आयतुल्लाह या किसी मुफ्ती या किसी भी तकरीर में इंसान जाता है, कोई एक जुमला होता है, कोई एक जुमला होता है कि जो नसीहत उसके दिल पे असर कर जाती है, यानी फौरन उसके बाद उसके अंदर अमली तौर पर तब्दीली आ जाती है। वो नसीहत जो दिल पर असर करे उसे कहते हैं मौइज़ा, ठीक है। इसीलिए लफ्ज़ वाज़ इस्तेमाल किया जाता है, जो इस तरह की जो अहादीस और इस तरह की महफिलें होती है जहाँ पे नेक और अखलाकी बातें बयान की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? कहा जाता है मौइज़ा कहा जाता है, ठीक है, या वाज़ कहा जाता है। ये लफ्ज़ मौइज़ा उसी लफ्ज़ से वाज़ से निकला है। कहते हैं ये कुरान मौइज़ा भी है, यानी इसमें ऐसी नसीहत है जो तुम्हारे दिल पर असर करने वाली है, लेकिन शर्त यही है कि इसके अंदर उतरना पड़ेगा तुम्हें। लिल्मुत्तकीन, लेकिन किसके लिए ये सारी चीजें, यानी ये हिदायत, ये बयान, ये मौइज़ा, ये सब मुत्तकीन के लिए है, यानी जो मुत्तकी है, जिसने ये नियत की हुई है कि मैंने अल्लाह ताला ही के पास जाना है, चाहे मैं बुरा इंसान हूं, चाहे मैं झूठा इंसान हूं, चाहे मैं फला गुनाह करने वाला हूं, लेकिन मेरा ठिकाना तो अल्लाह के पास ही, पलट के मैं अल्लाह की तरफ जाता हूं, हर वक्त मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला मेरे पिछले गुनाहों को माफ फरमा। यानी ऐसे शख्स की बात हो रही है। वला तहिनू वला तहज़नू, अब ये तसल्ली दी जा रही है कि तुम्हारे साथ जो गुजर गया, मर गए थे सारे, ये एक जिसे कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से एक तरबियती कैंप था, जंगे ओहद एक तरबियती कैंप था। अब टाइम मेरे पास नहीं है, अगर 10 मिनट मुझे इजाजत दें तो मैं इसको कंप्लीट कर दूं, ये आयात पूरी, क्योंकि ये नसीहत की सारी है, तो ये जंगे ओहद से मुताल्लिक मैं इसको कंप्लीट कर दूं ताकि ये बात आपके ज़हन में बैठ जाए। कहते हैं वला तहिनू वला तहज़नू वा अंतुमुल आला इन कुंतुम मोमिनीन, और तुम दिल शिकस्ता ना हो इस शिकस्त से, यानी तुम अपने दिल को ना तोड़ो, वला तहज़नू और गमगीन ना हो, यानी गम ना करो, ठीक है तुम्हारे बहुत सारे लोग मर गए, तुम्हारे रसूल को बहुत जख्म आए, तुम्हारे बहुत सारे लोग जंग छोड़ के भाग गए, लेकिन तुम गम ना करो, वला तहज़नू और तुम वला तहज़नू और दिल शिकस्ता भी ना हो, वअंतुम अलऊ तुम ही गालिब रहोगे, यानी आइंदा जो आने वाला वक्त है उसमें तुम गालिब रहोगे, अभी तुम हार गए कुछ वजूहात की बिना पर, तो लेकिन तुम गालिब रहोगे। कब गालिब रहोगे? इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन रहे, अगर तुम मोमिन हो तो गालिब होगे, यानी मोमिन की सिफत यही, जो मोमिन होगा वो गालिब होगा। जब ईमान से हटा, ईमान से कब हटता है? जब वो रसूल या अल्लाह की डिसोबे करता है, उनके हुक्म को, अल्लाह के हुक्म को डिसोबे किया, रसूल के हुक्म को डिसोबे किया, ये क्या हुआ? ईमान से खारिज नहीं हुए, लेकिन क्या हुआ? इन्होंने जंग हार ली, लेकिन अल्लाह ने कहा चलो दोबारा खड़े हो, फिर से अपने मिशन को जो है वो आगे बढ़ाओ। तो उसके बाद फरमाते हैं इन जब सस्कुम करहुन फकद मस्सल कौमा करहुन मिसलुहु, कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जख्म लगे हैं तो उनको भी तो जख्म लगे थे जंगे बदर में जब आए थे, तो तुम्हारे तो अभी 70 मारे जो है वो शहीद हुए, उनके 70 मारे भी गए थे तुमने, और 70 को तुमने जो है वो कैद भी किया था, ठीक है। कहते हैं जब सस को अगर लगा है तुमको जख्म ओहद में, तो बेशक लग चुका है उन लोगों को भी जख्म ऐसा ही बदर में, ठीक है ना, बदर का लफ्ज नहीं आया लेकिन ये बदर का बदर की बात हो रही है। वतिल कल अय्यामे नुदाविलो, और ये तो जैसे कहते हैं दिन है, बारी बारी अल्लाह ताला इनको बदल नदाविलो, यानी बदलता रहता है, एक दूसरे की जगह लाता रहता है, अदला बदला उसका करता रहता है, कभी उनके दिन लेके आता है, कभी तुम्हारे दिन लेके आता है। जब तुम अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक चले, तुमने जुर्रत दिखाई तुम बदर में जीत गए, यहाँ तुमने जुर्रत दिखाई जीत रहे थे, तुमने लालच दिखाई तुम हार गए, यानी अल्लाह ताला सबब और असबाब के तहत जो है वो कामों को करता है। अल्लाह ताला
ये नहीं कहता क्योंकि तुम्हारे दरमियान रसूल मौजूद है तुम्हें जीतना ही जीतना है, क्योंकि तुम जो है वादा तुम्हें दिया जाता है 5000 फरिश्ते तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन फरिश्तों के आने की एक शर्त है कि तुम भी साबित कदम रहो, तुमने अपने कदम उखाड़े, तुम जंग से भागे तो फरिश्ते भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला की जितनी वो है मदद की वादे जो है वो शर्त पे हैं। रसूल मौजूद हो तब भी जरूरी नहीं कि फतह ही हो, इमाम मौजूद हो तब भी जरूरी नहीं कि फतह ही हो अगर मोमिनीन साथ ना दें। इसीलिए कहा जाता है कि मोमिनीन जब तक एक इकाई ना बने और इमाम की बात पे मिन अन अमल ना करे उस वक्त तक फतह के नजदीक नहीं जाते। उसके बाद फरमाता है कि इसका तर्जुमा पहले कर दूं, कामयाबी और नाकामी के दिन बारी बारी गर्दिश देते हैं हम इनको लोगों के दरमियान और तुम पर यह वक्त इसलिए लाया गया ताकि जाहिर करे अल्लाह, ठीक है क्या जाहिर करे, भले या अल्लाहुल्लज़ीन आमनू व यत्तखिज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन। कहते हैं कि अल्लाह ताला ये चाहता था कि तुम्हें दिखा दे हालात, किस बात के हालात दिखा दे कि कौन तुम में से सच्चे मोमिन है, ठीक है, और कौन कौन सच्चे मोमिन है और बनाए तुम में से बास को शहीद और तुम में से बास को गवाह बनाए या तुम में से बास को शहीद ठहराए, और अल्लाह नहीं पसंद करता जालिमों को। ये आयत बहुत मुख्तसर सी 3 जुमलों में बयान हुई लेकिन इसके पीछे पैगाम बहुत बड़ा है। मैं कोशिश करता हूं कि उसको 1 मिनट में आपके सामने बयान कर दूं। जंगे उहुद के अंदर जो जो काम हुए वो अल्लाह ताला ने असबाब को देखते हुए किए। सबसे पहला काम जब निकल रहे थे लोगों ने कहा कि हम इसलिए निकलना चाहते हैं कि अल्लाह के नाम में जाके शहीद हो जाए, बड़ा जोश जज्बा दिखाया था, तो अल्लाह ताला ने कहा कुछ लोगों की ख्वाहिश थी इसलिए हमने तुम्हारी जिसे कहते हैं बुजदली कह लो या भागने की वजह से कुछ लोगों को शहीद किया, जिनकी ख्वाहिश थी कि हम शहीद होना चाहते हैं उनको हमने शहादत का दर्जा भी दिया। फिर हम चाहते थे कि उन लोगों को भी पहचान लें कि जो दावा तो कर रहे रसूल खुदा की मोहब्बत और जंग भी साथ आ रहे हैं लेकिन हम देखें कौन इनमें से मुनाफिक है, कौन जो है रसूल खुदा का साथ देने वाले हैं। कुछ अब्दुल्ला बिन सलूल के साथ जो है वो चले गए वापस, ठीक है, और कुछ जो थे रसूल के साथ मौजूद थे लेकिन उनमें भी अभी हुब्बे दुनिया था जो हमारे गनीमत की लालच में उधर आए, तो अल्लाह ताला कहते हैं हम छांटे बगैर कभी भी जन्नत नहीं देंगे। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि तुमने कह दिया कि हम रसूल के साथ ही हैं, हम रसूल के मानने वाले हैं, रसूल के साथ जंग भी गए थे, हमने रसूल के साथ जंग भी की थी लेकिन फिर भी इम्तिहान बाकी है, आखिर वक्त तक रसूल के साथ रहना है, बीच में जहां रसूल को डिसओवर किया वहीं से तुम अलहदा वालोगे, यानी इस बात की गारंटी कोई नहीं होती कि आपने अपने ईमान को किसी के साथ मुतसिल कर लिया तो आप जन्नत की पक्की हो गई आपकी, नहीं आखिर वक्त तक आपका इम्तिहान होता रहेगा। अल्लाह ताला जंगे उहुद की स्टोरी सुना के हमें कह रहा है कि आखिर वक्त तक इम्तिहान दिया, जब तक ये साबित कदम रहे फतह मिलती नहीं, जैसी इन्होंने साबित कदमी हटाई फतह को अल्लाह ताला ने उसमें शिकस्त बदल दिया और जिन लोगों की ख्वाहिश थी शहीद होना उनको शहादत का रुतबा भी दे दिया। उसके अलावा क्या किया, इस तमाम बातों से तुम ये ना समझना कि अल्लाह ताला ज़ालिमीन के साथ है, अल्लाह ताला तुमको भूल गया है, क्योंकि जब ये वापस गए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया मुनाफिकीन ने जो छोड़ के गए थे कि देखो हमने कहा नहीं था ये रसूल तुम्हें मरवाएगा खुदा ना खास्ता, ठीक है ना, शहर से बाहर लेके जाएगा तुम्हें मरवाएगा और यही हुआ, तुम कितने सारे तुम्हारे जो है वो शहीद हो गए, तो ये ताने दे रहे थे। तो अल्लाह ताला ये कह रहा है कि नहीं ये हालात के मुताबिक हुआ है, अल्लाह ताला तमाम बातों को दिखाना चाहता था, अल्लाह ताला ने पहचान लिया तुम्हें से जो है वो साबित कदम कौन है, अल्लाह ताला ने पहचान लिया तुम्हें से मुनाफिक कौन है, अल्लाह ताला ने पहचान लिया कि तुम में से सिर्फ दावे करने वाला कौन है, ये अल्लाह ताला ने अलहदा कर लिया। फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिमीन को पसंद नहीं करता, यानी अल्लाह ताला है तुम्हारे साथ ही, ज़ालिमीन को इसलिए फतह नहीं थी कि तुमसे नाराज था, नहीं अल्लाह ताला ज़ालिमीन को पसंद नहीं करता। बस मेरे ख्याल इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि आगे जो है ना वो है, आप लोगों के अंदर 5 मिनट का हौसला या नहीं है, एक सलावत भेजे पहुंच वाले क्योंकि ये बात खत्म नहीं हुई ना, फिर अगली दफा पूरी तमीज मुझे दोबारा से बांधनी पड़ेगी, ये 2 आयतें रह गई खाली। वलियुमहिसल्लाहु लजीना आमनू वयमहकुल काफिरीन, अल्लाह ताला रीजन बता रहे हैं कि जंगे उहद में क्यों ये इनके ऊपर हुआ। कहते हैं अल्लाह ताला चाहता है ताकि छांट ले अल्लाह उन लोगों को जो ईमान वाले हैं, वयमहकुल काफिरीन और मुजूर जो उनकी आंधी थी कुफार की उसको तोड़ दे, यानी पहली दफा जंग में उन्होंने फतह पाई, तोड़ भी दिया उस आंधी को और पहचान भी लिया। अम हसिब तुम, क्या तुमने गुमान कर लिया है, हसिब तुम यानी क्या तुमने गुमान कर लिया है, अन तदखुलुल जन्ना कि तुम जन्नत में चले जाओगे। ये किससे बात हो रही है, ये उन लोगों से बात हो रही है जो जंग में रसूल खुदा के साथ खड़े हुए थे, उनसे बात हो रही है जो जंग में जिन्होंने जंग भी की थी, ये उन लोगों से बात हो रही है जो फरार भी हो गए थे, उनसे बात हो रही है। क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि रसूल के साथ होने की वजह से, रसूल का नाम लेने की वजह से, रसूल के दीन पे होने की वजह से तुम जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है वलम्मा यालमिल्लाहु लजीना जहलू मिनकुम व यालमस्साबिरीन, अल्लाह ताला जब तक तुम में से उन लोगों को पहचान ना ले कि कौन जो है तुम में से जहाद करने वाला है, कौन जो है कोशिश करने वाला है, जहाद करने वाला है और
वो साबरीन को पहचान ले जब तक वो तुम्हें जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। सबर किसने किया? सबर के माने होते हैं कि अपने काम को तमाम मुश्किलात के बावजूद जारी रखना। वो सबर नहीं होता जो उर्दू वाला सबर होता है कि किसी ने मार दिया हम कुछ नहीं कर सकते तो कहते हैं बेटा सबर करो, कुछ नहीं कर सकते, वो सबर नहीं। अभी वाला सबर, सबर का मतलब होता है कि किसी काम करने का इरादा कर लेना और जैसे भी हालात हो उस काम को जारी रखना। तो वो लोग जो रसूल खुदा के साथ रुक गए थे उनके बारे में बात हो रही है कि उन्होंने सबर किया, यानी रसूल खुदा के साथ आखिर तक जंग करते रहे। ठीक है, अल्लाह ताला कहता है कि तुम जन्नत में जाने के लिए अपने आप को खामखाई में क्वालिफाई ना समझो। अल्लाह ताला तुम्हारे आखिर वक्त का इम्तिहान लेगा, जो जंग करेगा अल्लाह के रास्ते में, चाहे वो नफ्स से जंग हो, चाहे वो कुफार से जंग हो, चाहे वो अपने खानदान से अल्लाह की मुखालफत में जंग हो, तो वो जंग अल्लाह के यानी अल्लाह के लिए जंग हो, तो वो जंग अल्लाह ताला तुम्हें पहचानने के लिए, तुम्हारे इम्तिहान के लिए इस्तेमाल करेगा। वलकद कुंतुम तमन्नूना अल-मौत, और बेशक तुम तमन्ना करते थे मौत की, मिन क़ब्ल अन तल्क़ूहु फ़क़द रा'यतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून, इस मौत की तमन्ना करते थे पहले इससे कि दो चार हो तुम इससे, यानी तुम पहले तो कहते थे हम मर जाएंगे हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन जब तुम्हारे सामने मौत आई तो तुम्हारी आंखें बंद आ गई एकदम से सामने, कुछ लोग भाग गए छोड़ के। ठीक है, फकत राय तुम हो, जब तुमने उसको देखा तुम्हारे सामने आई तुम तंजुरून, तो तुमने उस मौत को खुली आंखों से अपने अपनी आंखों के सामने देख लिया। बस यहीं तक हम अपनी बहस को उसको गुफ्तगू रखते हैं आयत नंबर 143 तक, इंशाल्लाह 144 से हम आगे स्टार्ट करेंगे बाबा मोहम्मद अलैहि रसूल की, जहाँ पे रसूल खुदा की शहादत की खबर उड़ गई थी, वो बात इंशाल्लाह हम आगे बयान करेंगे। इस्लाम भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद।